बच्चों आज हम कक्षा छठी और पाठ दस, पाठ का नाम है वैदिक संस्कृति। तो बच्चों अपन आज देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। इसमें अपन देखेंगे वैदिक संस्कृति क्या है और आर्य का जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, खान पान कैसा है और धर्म और ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। आप अपनी किताब खोलिएगा, उसमें देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप भी पढ़िएगा। और इसमें आपको दिया है कि वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति क्या है, सबसे पहले अपन उसके बारे में जानते हैं। वेद भारत का प्राचीन ग्रंथ है, ये सभी को पता है। और वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक आदि को वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, ये आपको भी पता है। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान है। विद्वान लोग वैदिक काल को वैदिक साहित्य भी कहते थे, यानी वैदिक साहित्य को साहित्य भी कहते हैं। और ये दो भागों में बटा हुआ है, एक है इसमें ऋग्वेद और दूसरा इसको वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल को पूर्व में क्या कहते हैं, वैदिक काल भी कहा जाता है, या इसको ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। तो इसे तीन तीन वेदों में बांटा है। इसमें सबसे पहले क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बच्चों इसमें आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, इस क्वेश्चनों का अर्थ आपको इन तीनों को याद करके लिखना है। ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद आते हैं इसमें। इस काल में उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इसको देखो, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, इस काल को ऋग्वेद काल कहते हैं या वैदिक काल कहते हैं या कौन सा काल कहते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसमें घबराइए मत। इसमें सबसे पहले आप इसको, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि इसको ऋग्वेद काल भी कहते हैं या वैदिक काल भी कहते हैं। तो आपको दोनों को भी याद रखना है। वैदिक साहित्य को समृद्ध होने पर लंबा समय लगा था और वैदिक साहित्य में हम वैदिक काल के लोगों का निवास के क्षेत्र, उनके खान पान, उनका रहन सहन के विषय में जानते हैं। और इस युग को ही अपन संस्कृति को ही वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो अपन ने अभी ये इसके बारे में जान लिया। अब अपन जानते हैं आर्यों का जीवन कैसा था। इनका जीवन, कुछ लोग उत्तर पूर्व ईरान में रहते थे, छोटे छोटे समूह में रहते थे, पश्चिम भारत में बस गए थे, छोटे छोटे समूह में पश्चिम भारत में बस गए थे। ये अपने आप को ही आर्य कहते थे। इतिहास काल में इस मत को स्वीकार नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पुरातत्विक साहित्यिक प्रमाण नहीं था। उनका मत है कि आर्य भारत का मूल निवासी था, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के विकास में सदैव नदियों के किनारे ही ये लोग बसते थे। इसको सिंधु घाटी में सरस्वती नदी के किनारे, इन लोगों को आर्य समाज ही कहा जाता था। तो बच्चों अपन अब जानते हैं सामाजिक जीवन। तो आर्य, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको कि छोटे छोटे समूह में रहते थे, अब इसके सामाजिक जीवन, ये कैसे जीवित जीवन यापन कर रहे हैं उन्होंने सामाजिक जीवन, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये सामाजिक जीवन है, ये आर्य पहले के छोटे छोटे कबीलों में बसे हुए थे, ये मैंने आपको बताया था। और कबीले छोटी छोटी इकाइयों में बैठे हुए थे, यानी ग्राम के रूप में ये बस चुके थे। और इस ग्राम को कई परिवार बसे थे। अब आपने देखा है कि अपने ही यहाँ की बात देखते हैं कि अपन ने एक गलियों में बहुत सारे लोग बसे हैं, दूसरे गलियों में बहुत सारे लोग बसे हैं। जिस तरह से ये ग्राम, छोटे छोटे ग्रामों में, छोटे छोटे इसमें ये लोग आर्य लोग बसे हुए थे। इस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे और एक परिवार में सबसे व्यक्ति मुखिया हुआ करता था। ये अभी भी किसी किसी इसमें अपन को पता चलता है कि अपने घर में भी देखते हैं अपन कि अपने घर में सबसे बुजुर्ग लोग रहते हैं और अपन सब चाचा चाची दादा दादी सबके साथ में अपन एक साथ रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। तो बच्चों समाज जो मुख्य चार वर्णों में बटा हुआ है, कितने वर्णों में, चार वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों में बटे हुए हैं। इन चार वर्णों को ही क्या बोलते हैं, जैसे गुरु और शिक्षकों को क्या बोलते हैं, ब्राह्मण समाज। शासन और प्रशासनों को क्या बोलते हैं, क्षत्रिय समाज। और किसान और व्यापारियों को क्या बोलते हैं,
साहूकारों को वैश्य तथा दस्तकारों और मजदूरों को शूद्र कहा जाता है। इन चारों को आप इस जब किताब में देखोगे, यहाँ पर पेज नंबर 59 पर दिया गया है, आप इसको पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब अपन देखते हैं इसके इसमें समाज में आधारभूत इकाई या परिवार थी, यानी बाल विवाह नहीं होते थे उस समय भी। युवक और युवतियां अपनी ही पसंद के विवाह कर सकते थे। सभी सामाजिक धार्मिक अवसरों पर पत्नी पति की सहभागिनी होती थी। महिलाओं का भी सम्मान होता था, कुछ तो ऋषि तथा दर्जों को भी प्राप्त थे। और पिता की संपत्ति में उनकी सभी संतानों का हिस्सा होता था। भूमि पर व्यक्तियों के समाज में स्वामित्व था, और मुख्यतः चारे वाली भूमि जो रहती है जंगली, जो जंगल तथा जलाशयों में जैसे तालाब नदियों और समाज के स्वामित्व होते थे, जिनका अभिप्राय था कि गांव के सभी लोग उनका उपयोग करें। इसलिए ऐसी जो भूमि रहती थी जहाँ पर ये घास युक्त होता था, जिससे क्या है कि गायों को और जानवरों को उनको चारा मिले या खाना मिले, इस तरह की भूमियों का सबका स्वामित्व होता था, यानी सब लोग उसकी सेवा यानी अपने जानवरों के लिए उसका उपयोग करते थे। तो अपन अभी इसका खान पान देखते हैं। वैदिक काल में आजकल अनाजों की खेती होती थी, उस समय भी अनाज की खेती होती थी। इस प्रकार आर्य क्या करते थे, अपने जानवरों के लिए या अपने घर के लिए चावल गेहूं आटे दालों को बने पकवान खाते थे। जैसे अपन अभी भी खाना खाते हैं, उनको दाल चावल पकाकर खाते थे, इस तरह से आर्य लोग भी क्या करते थे, इस तरह से वो खाना पकाकर खाते थे। दूध मक्खन घी का प्रयोग भी करते थे, और फल सब्जी दालें मांस भोजन में सम्मिलित करते थे, यानी सारी चीजें वो अपने भोजन में सम्मिलित करते थे। वे पूरी तरह से सोमपान किया करते थे, यानी अभी अपन देखते हैं कि वो हर तरीके से वो अपना खाना खाने के लिए अपना काम करते थे कि किस तरह से अपन को भोजन पकाना है, भोजन में क्या क्या पकाना है, और किस तरह से अपन को भोजन के लिए उपयुक्त सामग्री अनाज दाल चावल ये सारी चीजों का वो लोग अपने खेतों में उनको निकालते थे, मतलब उस खेती में उनको उगाकर उनकी फसलें तैयार करके फिर उन चीजों को वो अपने घर में लाते थे। जैसे अभी के किसान जिस तरह से खेती में काम करके अनाज लाते हैं, उस तरह के लोग भी पहले इस तरह के काम करते थे। तो अपन आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। आर्थिक जीवन वैदिक काल के लोग आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित थे, वो मैंने अभी भी आपको बताया और अभी भी बता रही हूँ। कृषि पर आधारित थे, हल्पशिला और व्यापार भी करते थे, और वो सांडों की खेती करते थे, गाड़ी या खींचने के लिए उपयोग करते थे। जो सांड रहता था उस समय उनको बैलगाड़ी रहती थी, उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए उस सांडों का उपयोग करते थे, और अपनी गाड़ी का जैसे खिंचवाते थे। रथ खिंचवाने के लिए घोड़ा का उपयोग किया करता था। अब उस समय भी रथ था, तो रथ को खिंचवाने के लिए घोड़े का उपयोग होता है और उपयोग किया जाता है। और पशुओं में गाय का सर्वोत्तम महत्व यानी पवित्र माना जाता था। किसको? गाय को। वो गाय की पूजा करते थे और गाय को मारने पर उनको मृत्यु दंड भी दिया जाता था, क्योंकि गाय को अपन भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उस समय भी गाय हत्या के लिए दंड दिया जाता था। तो अभी भी यह है कि गाय हत्या अगर हुई तो उनको दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चों ये हो गया अपन धर्म स्थल। अपन अभी धर्म और दर्शन के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद काल में प्रमुख लोग शक्ति को दर्शाने वाले प्रमुख देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अग्नि सूर्य वायु और आकाश वृक्ष, इन सबकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में हम कई प्रकार के देवताओं को देखते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा पीपल की पूजा करते थे। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें हड़प्पा सभ्यता में वैदिक काल के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो वो पीपल देवता की पूजा करते थे, यानी पीपल की पूजा करते थे। वो सबसे ज्यादा पीपल को मानते थे और शिवलिंगों का चित्र बनाते थे। तो बच्चों आज अपन ने इसके बारे में जान लिया है,
और अपन ने पार्ट दस के बारे में मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी। अपना पार्ट आज खत्म हो गया है, तो अपन मिलेंगे अगले पार्ट में। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी।